मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कैमरा जीबी बन चुके हैं। मणिपुर में हिंसा लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार का कोई भी बड़ा नेता चुप्पी नहीं तोड़ता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पक्षपात वाली राजनीति करती है, कुर्सी की राजनीति करती है? क्योंकि विपक्ष का यही कहना है, कांग्रेस का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री अगर चाहें तो चुटकियों में जो है ये हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन बोलने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मणिपुर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं। जो मॉनसून सत्र आ रहा है, जो 20 तारीख को शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा, हालांकि सत्र सिर्फ 17 दिन का होगा, उस संदर्भ में यह बैठक हुआ। और हमेशा जब कभी पार्लियामेंट की सेशन आती है, तब उसके पहले पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इस बार हमने कुछ 20 दिन पहले ही ये बैठक की, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जो देश के सामने हैं, उस पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और पार्लियामेंट में हम इसको किस तरीके से उठाएं, उस पर चर्चा, काफ़ी लंबी चर्चा। पहला मुद्दा मणिपुर का था, और हाल में ही आप जानते हैं राहुल गांधी जी वहां 2 दिन के लिए गए थे, भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा ही लेकर गए थे, सद्भावना, भाईचारा, अमन, शांति का संदेशा ले गए थे, तो उस पर काफी चर्चा हुआ। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं और करते रहेंगे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल जो ड्रामा घटा इम्फाल, वो दर्शाता है कि बीजेपी के हाई कमांड, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री स्थिति के काबू में नहीं है। गृहमंत्री भी मणिपुर गए हैं और उसका कोई सकारात्मक असर नहीं देखने को मिला है। प्रधानमंत्री तो पिछले 60 दिन से चुप हैं, और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, और आज हम दोबारा ये मांग करते हैं, और इस पर काफी बातचीत हुई कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और फौरन मणिपुर के मुख्यमंत्री, जिनके मौजूदगी में स्थिति के बदलने की कोई संभावना नहीं है, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राजनीति का स्तर क्या और किस तरीके से यहाँ पर पूरे आव भाव से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टी के नेता यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक क्यों बन चुके हैं, और यही सारी बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आप सभी के सामने रख दी हैं। अब दर्शकों, देखना ये पड़ेगा कि इन बयानों को सुनने के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आएगी, क्या बीजेपी सरकार चुप्पी तोड़ेगी, क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा की बात कर लो या फिर नितिन गडकरी की बात कर लो या स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लो, ये तमाम नेता इस समय विधानसभा चुनाव में लगे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो राज्य हैं उनके चुनाव प्रचार में लगे हैं। तो मणिपुर पर किसका ध्यान होगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।